काफ़ी चर्चित रही। अटल जी लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। मैं उनको एक बात को आज पढ़ रहा था किसी अखबार में, उन्होंने कहा था राजनीति में चर्चाएं तो होनी चाहिए, स्वच्छ चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने उल्लेख किया था कविता के माध्यम से, मौत के प्रति उनकी जो पंक्तियाँ हैं वो इस तरह थी, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल ही नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कूद से क्यों डरूं, तू दबे पाँव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। तो अटल जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, आखिरकार मौत की आगोश में वाजपेयी जी को जिन निद्रा में सो गए, हम सभी व्यक्तिगत रूप से आपके निधन पर काफ़ी आहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य रखने की कामना करता हूँ। जैसा कि हम लोग का आज मीटिंग थी, लेकिन आज दुख की बात यह है कि हमारे देश के भारत रत्न जो लखनऊ से ही सांसद रहे, उत्तर प्रदेश की लोकसभाओं से सांसद रहे और उत्तर प्रदेश से ही रह के देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे। तो निश्चित रूप से ये शोक का विषय है हमारे बीच में। राजनीति में हमेशा बहुत से लोग आए, उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयों की चर्चा हुई, लेकिन मैं मानता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो राजनीति में रहते भी बड़ी चीज़ों को बड़ा हंस के अपनी बात को गहरी से गहरी बातों को कर देते थे। जब वो ताकत में थे, सत्ता में थे, तब भी, सत्ता में नहीं थे तब भी उनके उनका जो व्यक्तित्व था, मैं मानता हूँ सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, सभी पार्टियों के लिए, सभी तबके के लोगों के लिए एक प्रेरणा की बात है। अटल जी निश्चित रूप से एक प्रेरणा के स्रोत थे, एक पाठशाला थे। आज हमारे बीच में नहीं है, निश्चित रूप से उनकी सफाई, उनकी कमी हमेशा ये देश और उत्तर प्रदेश महसूस करेगा। आज हमारी समिति की तरफ से पूरे देश को, प्रदेश को, हम समिति की तरफ से उनको शोक, गहरे दुख मन से शोक प्रकट करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके मानने वालों को, चाहने वालों को, उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे।